आज जम्मू के बहुफोर्ट इलाके में रामनवमी के शुभ अवसर पर फ्रेंड्स ग्रुप ने लंगर का आयोजन किया और माता जी के गाने लगाकर माहौल को भक्तिमय बनाया। फ्रेंड्स ग्रुप ये लंगर पिछले कई सालों से लगाते आ रहे हैं। इस लंगर में सैकड़ों लोगों ने लंगर ग्रहण किया और माथा टेका। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित MLC श्री विक्रम रंधावा भी मौजूद थे और उन्होंने हिंदू समाज के लोगों के प्रति संदेश दिया और माता जी के जयकारे लगाए। नवरात्रों का शुभ अवसर था। हमारे पिछले 9 दिन जो है पूरा हिंदू समाज सनातन समाज पवित्र दौर से गुजरा है और नवरात्रे हमारे हिंदू समाज में बहुत ही विशेष स्थान रखते हैं। साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और नवरात्रों के दौरान सूर्य समाज की मानसिक शारीरिक आर्थिक तौर पर शुद्धि होती है और नवरात्रों के पश्चात जो हमने साग घर में बीजी होती है उस माँ का विसर्जन करने के लिए हम दूर दूर पानी में जाते हैं और बहते हुए पानी में विसर्जन किया जाता है, उससे पवित्रता और भी स्वच्छ हो जाती है। और उसके साथ साथ ही आज हर जगह पे रामनवमी के शुभ अवसर पर विशाल भंडारों का लंगर के माध्यम से आयोजन किया गया है। अपने हाथों से प्रसाद खिलाकर हम समाज का भी आभार व्यक्त करते हैं और समाज के साथ जुड़ने का भी एक माध्यम है। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, समाचार टुडे के माध्यम से मैं सारे जम्मू वासियों को रामनवमी की शुभ हार्दिक बधाई देता हूँ। और मेरा मैसेज यही है कि सनातन सर्वोपरि है, हिंदू ही सब कुछ है, हिंदू के अंदर ही सारी सृष्टि है और हर जात पात को ये समझ लेना चाहिए कि मूलतः सब हिंदू है और हिंदुओं में से सब निकले हैं, यही हमारा एक संदेश है। जम्मू से विजय कुमार के साथ नरेश मेहरा, अलर्ट इंडिया न्यूज़।